दे देश में नवायु डारी I don't believe this हानिया। क्यों सरब के लिए तूने अपना ये हाल कर लिया? उस चीपड़े के लिए तूने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। क्यों हानिया क्यों? गलती उसकी नहीं तेरी थी महक। और आज जो कुछ भी हुआ है वो तूने जानबूझ के किया। तूने उन गुड्डों को जानबूझ के उकसाया ताकि बात इतनी बढ़ जाए कि सरब जी और उनकी लड़ाई हो। तूने एक बार ये नहीं सोचा अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वो कल का आया और सरब तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तेरी बातें तेरी टोन तेरे चेहरे सबसे साफ दिख रहा है हानिया कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो सरब हो गया है तेरे लिए। इतना क्या पागल हो गई कि तुझे अपनी चोट दिखाई नहीं दे रही है हानिया? जिसका नाम तू जपे जा रही ना वो चोट तुझे उसी की वजह से लगी। नहीं अगर तूने आज सीन क्रिएट नहीं किया तो ना मेहर तो मुझे ये चोट नहीं लगती। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि तुझे किस बात की नफरत है यार उनसे। तेरी कौन सी बात नहीं मानी उन्होंने? तेरी स्टूपिड शर्त के लिए भी हाँ कहा। उन्हें खुद मंजूर नहीं था पर फिर भी हाँ कहा। क्यों? क्योंकि अपनी माँ को जुबान दी थी उन्होंने। इस शर्त को निभाने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हो और तू क्या कर रही? तूने इस रिश्ते के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की ताकि तू उनकी बेइज्जती कर सके, उन्हें तकलीफ पहुँचा सके, उन्हें नीचा दिखा सके। सर मुझे नौकरी की जरूरत थी। नौकरी? जी मतलब तो क्या काम करेंगी आप? कुछ भी काम। हाँ ये काम है मेरे पास, आप कर सकेंगी? आप बस बोलें। खुश रखना पड़ेगा ग्राहकों को, प्यार दिखाना होगा ग्राहकों को। पगार पूरे 15,000 रुपए है, मंजूर है आपको? जी पर थोड़ा एडवांस मिल सकता है क्या? लो जी अभी तो काम भी शुरू नहीं किया और एडवांस भी मांग लिया। चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम हमारा ख्याल रखोगी तो मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बोलो कितना चाहिए, बताओ कितना चाहिए? दरअसल 1.5 लाख के आसपास। कितना? मैं जानती हूँ रकम थोड़ी बड़ी है पर मैं हर महीने अपने पगार से कटवा कर पाई पाई चुका दूंगी आपको। अरे तुम्हें हर महीने चुकाने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो सारा कर्ज और एहसान एक साथ चुका सकती हो। ताई जी परी भाभी वापस आ गई। हाँ ताई जी परी भाभी वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? परी भाभी। तो मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं ताई जी मजाक नहीं कर रही, वो सच में वापस आ गई है। परी वापस आ गई? परी मेरे 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 बच्चे, परी अपने अपनी माँ के पास वापस आ गई। परी परे किधर? आंटी जी, हाँ वो देखिए, वो है परी वहाँ। ये सेनापति कार्तिके और जाकर महिषासुर का तप भंग कर दो, भंग कर दो, भंग कर दो। क्या हुआ महादेव? इंद्रदेव ने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी है देवी। कार्तिकेय को महिषासुर के तप को भंग करने का कार्य सौंपा है, तप को भंग करने का कार्य सौंपा है, तप को भंग करने का कार्य सौंपा है। चलिए महादेव, हम चलकर रोकते हैं अपने पुत्र को। क्षमा करें देवी, यह कार्य देवराज ने अपने सेनापति को सौंपा है और अब उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं सेनापति को लेना है, स्वयं सेनापति को लेना है, स्वयं सेनापति को लेना है। रिश्तों की ये डोरी है। क्या 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 कर रहे हैं आप? आनंद, अब तुम्हारे यार का अंत होगा। कितनी जान लगा तू? आज मैं जान के बदले जान लूंगा। आपको कुछ नहीं होगा तुम्हें। गंगा, गंगा, तू पीछे हट बेटा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। माँ सुन रही है ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। आपकी डोरी है आपके पास। पता नहीं ये वंश क्यों चिल्ला रहा इतना। वो ठीक तो होगा नहीं यश जी? अरे सुधा, मुझे तो लग रहा है कोई मुसीबत हुआ होगा। मत बोलिए। वाह बस, चलिए अब मैं जल्दी से खाना चढ़ा देती हूँ वरना देर हो जाएगी। सोच लो मंगल, पक्का है ना? मैं फिर कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ आदित्य, माँ आप लोग जाकर बातें करिए उनसे, मैं फटाफट से कपड़े बदलकर खाना तैयार करती हूँ। मंगल फटाफट अपने हाथों की कचौड़ी, एक पनीर की सब्जी, खट्टा मीठा कद्दू, बैगन का रायता और मीठे में शाही टुकड़ा बना दो। जी। ये पहन रही हो तुम? मंगल कितनी बेइज्जती करवाओगी मेरी? इतना परेशान करके रख दिया ना तुमने, क्या बताऊं मैं। अभी बॉस के सामने ऑकवर्ड कर दिया और अब ये नौकर वाला हुलिया बनाकर आओगी उनके सामने। नहीं नहीं, कोई और क्या? ये घटिया हरी वाली क्या ये पोछा लग रही है? ये एक ढंग की साड़ी नहीं है तुम्हारे पास, सब घटिया और चीप। क्या ये रंग बिरंगी साड़ियां आज तो बुलबुल के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था ना, तुमने अभी तक फोन क्यों नहीं किया? मैं कर लेता हूँ। नहीं, बुलबुल पर वैसे भी पास होने का बहुत प्रेशर है, कहीं कोई बात थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी तो शायद मुझे वो अपने दिल की बात कह भी नहीं पाएगी। मैं फोन कर ही लेता हूँ। जी क्या हुआ? कितने आए? नहीं देखा तो देखो ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को ये बारह रिजल्ट है। चाची, चाची, चुप चाची, चाची सुनो तो। कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा यहाँ से। कुश ध्वज की कथा अभी अभी आप लोगों ने सुनी है। पंडित जी, लगता है ये दोनों बहुत दूर से आए हैं। तनिक आप इन्हें प्रसाद पहले दे देंगे तो आपका अवश्य ही भला होगा पंडित जी। हाँ हाँ अवश्य। प्रसाद ग्रहण करके आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। नारायण नारायण, भोग प्रसाद तो अब बना है। आइए आइए, सबके सब प्रसाद पाइए और हरि का नाम जपते रहिए और फिर देखिए कैसे नारायण आप सबके दुख हरते हैं और कैसे माता लक्ष्मी आप सबकी दरिद्रता दूर करती है। आवेश में आकर ये अनर्थ ना कीजिए बृहस्पति। आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मार दो इसने। राजमहल का पता करने वाला जिंदा को नहीं रहना चाहिए। क्यों भाइयों? मारो इसने। भैया कौन है ये? पहले तो गांव में देखी नहीं। मारे गांव में क्या करने वास्ते आई है तू? तारी हिम्मत कैसे हुई चोरी मारे गांव में घुसने की? मैं किसी को यह तकलीफ नहीं देने आई हूँ। आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों बिना कारण मेरे पीछे पड़ रहे हैं आप सब? मैं यहाँ कुछ पता करने आई थी। बिना कारण? जहाँ 200 साल से राजमहल में गांव वालों ने किसी को जाने नहीं दिया, तुम्हें वहाँ राजमहल के अंदर जाने दिया जाए और पूरे गांव वाले नष्ट हो जाएं? ऐसा क्या है राजमहल में? पूरे राजमहल की भटकती हुई आत्माएं, पूरे राजवंश को मार डाला था एक चुड़ैल ने।